हेलो एवरीवन, कैसे हैं सबके सब। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जिसका नाम है द डेथ ऑन द डेविल्स टीथ। जिनेट दिपामा 16 साल की एक लड़की थी, जिसका घर न्यू जर्सी के स्प्रिंगफील्ड टाउनशिप के क्लियरव्यू रोड पर था, जहां पर क्राइम रेट्स ऑलमोस्ट नल थी। वो एक अपर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती थी और उसके पेरेंट्स ने उसे और उसके सिबलिंग्स को प्रॉपर क्रिश्चियन रीति रिवाजों के साथ बड़ा किया था। 3 अगस्त 1972 को उसने अपना 16वां जन्मदिन मनाया। उसे पार्टीज वार्टीज का ऐसा सच कोई क्रेज़ नहीं था, तो वो एक काफ़ी नॉर्मल सा सेलिब्रेशन था। फिर 4 दिन बाद 7 अगस्त को वो अपनी मॉम से पूछकर अपनी एक फ्रेंड के घर जाती है वाया ट्रेन, लेकिन वो वहाँ पर कभी पहुँच नहीं पाई और ना ही घर से निकलने के बाद उसने एक बार भी अपने पेरेंट्स को कॉल किया रिगार्डिंग कि वो लेट हो सकती है। जब शाम तक वो घर वापस नहीं आई, तो उसके पेरेंट्स ने स्प्रिंगफील्ड टाउनशिप के पुलिस स्टेशन पर उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसके लापता होने के 6 हफ्तों बाद 19 सितंबर को एक कुत्ता फॉरेस्ट के एक एरिया से अपने मुंह में कोई चीज़ उठाकर ले आया और फिर अपने घर के पास वाले अपार्टमेंट्स के लॉन में वो उस चीज़ के साथ खेलने लगा। ये अपार्टमेंट्स वहीं स्प्रिंगफील्ड में थे। कुछ देर बाद डॉग की ओनर वहां पर पहुंची और दूर से देखने पर उसे लगा कि शायद उसका डॉग एक बड़ी हड्डी उठाकर ले आया है, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंची, तो वो घबरा गई, क्योंकि जिस चीज़ को वो हड्डी समझ रही थी वो असल में एक इंसानी हाथ था जो काफ़ी हद तक डिकम्पोज हो चुका था। ये देखकर उसने तुरंत पुलिस को कॉल लगाया। पुलिस जल्दी वहां पर पहुंची और फिर उस लेडी ने उस आर्म को उन्हें सौंप दिया। फिर पुलिस ने एक सर्च पार्टी को उसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के पीछे वाली पत्थर की खदान, जिसका नाम हुडेली क्वेरी था, वहाँ पर भेजा, क्योंकि उस डॉग की ओनर ने उन्हें कहा था कि उसका कुत्ता ज़्यादातर वहीं पर जाया करता है। तो बाकी बॉडी पार्ट्स की तलाश में एक सर्च पार्टी को वहाँ पर भेजा गया। जैसे ही सर्च पार्टी वहाँ पर पहुँची, तो कुछ देर बाद उन लोगों को सबसे पहले अपर आर्म बोन और फिर बाकी काफ़ी हद तक डीकम्पोज हो चुकी बॉडी मिली। ये बॉडी उन्हें एक हिल के ऊपर छोटी सी क्लियरिंग में मिली थी, जिसको लोग कॉमनली डेविल्स टीथ बुलाया करते थे। बॉडी का फेस डाउनवर्ड्स था, उसके कपड़े बिल्कुल सही सलामत थे और उसको सराउंड करते हुए काफ़ी छोटी छोटी टहनियाँ और वुड के पीसीस पड़े हुए थे। चीफ मेडिकल एग्जामिनर बर्नार्ड एरनबर्ग को वहाँ पर बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया गया, लेकिन काफ़ी हद तक डिकम्पोज हो जाने के कारण वो ऑटोप्सी परफॉर्म नहीं कर पाए और ये नहीं बता पाए कि बॉडी असल में किसकी थी, और इसी कारण उन्होंने डेथ को सस्पिशियस माना रेदर देन अ मर्डर। फिर डेंटल एग्जामिनेशन के बाद सामने आया कि बॉडी असल में जेनेट दिपामा की ही थी, और स्केलेटल एग्जामिनेशन और एक्सरेस से ये बात सामने आई कि बॉडी पर किसी प्रकार के बुलेट होल्स, फ्रैक्चर या फिर किसी भी भारी चीज़ से वार के कोई निशान नहीं थे। जब ऑटोप्सी से कोई काम की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और उन्हें क्लोथिंग से या फिर रिमेन से किसी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं मिला, जिससे ऐसा लगता कि उसकी हत्या गोली मारकर या फिर चाकू से की गई। यहाँ तक कि रिमेन से बॉडी फ्रैक्चर का भी कोई एविडेंस सामने नहीं आया। हालांकि कोरोना को इस बात पर कुछ हद तक यकीन था कि शायद उसकी हत्या गला दबाकर की गई है, लेकिन इसी वजह से यूनियन कंट्री प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस UCPO ने इस केस को अनसोल्ड होमिसाइड की कैटेगरी में डाला। कोरोना को रिमेन्स से लेड की काफ़ी ज़्यादा मात्रा मिली,
लेकिन ऐसा क्यों था इस बात का उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में पुलिस को एक बेघर व्यक्ति के बारे में पता चला जो वहीं क्वेरी के पास रहता था। लोग उसे रेड बुलाते थे और वो उसी दिन वहां से भाग निकला जिस दिन जिनेट लापता हुई थी। पुलिस को पहले लगा कि उन्हें उससे कोई ना कोई काम की इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन फिर यूसीपीओ ने ये डिसीजन लिया कि रेड का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। देपामा के रिमेन्स मिलने के अराउंड 2 हफ्तों बाद से ही काफ़ी न्यूज़पेपर्स जैसे न्यूयॉर्क स्टार लीजर और न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ ने ये पब्लिश करना शुरू किया कि ब्लैक मैजिक के चलते देपामा की बलि चढ़ाई गई है और ये काम या तो सेटेन के फॉलोअर्स या फिर विचेस के एक ग्रुप का है जो कि वहीं पास के वॉचंग रिजर्वेशन से ऑपरेट करते हैं। इस आग में घी डालने का काम किया उन रिपोर्ट्स ने जिनमें लिखा गया था कि देपामा की बॉडी के अराउंड काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें भी मिली थी। और फिर जेम्स टेट की थ्योरीज ने, चूँकि उसी चर्च के मिनिस्टर इंचार्ज थे जहां पर देपामा फैमिली जाया करती थी, टेट ने बताया कि सैटेनिस ने देपामा की हत्या करके उसकी बलि चढ़ाई होगी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस थी। टेट ने बताया कि वो इतनी रिलीजियस थी कि वो भगवान की बातें अपने फैमिली मेंबर्स और अपने दोस्तों से भी किया करती थी। उसने ज़रूर सैटेनिस को क्राइस्ट के बारे में बताया होगा जिस वजह से उन्हें गुस्सा आया और उन लोगों ने उसकी बलि चढ़ा दी। हालांकि ये थ्योरी टेट के पर्सनल बिलीव्स पर बेस्ड है जिसे काफ़ी और लोगों ने दोहराया। इस केस से जुड़े रूमर्स ने यूनियन काउंटी कमिटीज़ में एक पैनिक स्टेट क्रिएट कर दी थी जो कि अभी भी एक हत्यारे जॉन लिस्ट के किए गए मर्डर से रिकवर कर रही थी जो कि उसने 10 महीने पहले किए थे। फिर 29 सितंबर 1972 को डेली जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश किया गया जिनमें उन लोगों ने लिखा कि जेनेट की डेथ ब्लैक मैजिक और सेटन के फॉलोअर्स पर फोकस्ड है। ऑथर्स ने डेथ सीन की फोटोज देखकर कहा कि उन्हें लगता है कि जेनेट की बलि चढ़ाई गई है। डेथ सीन पर मिले वुड पीसेस को अब एज अ सिंबल देखा जा रहा था जिन्हें पहले लोगों ने समझा था कि वो वहाँ पर बस इत्तेफाक से थे। फिर एक सर्चर ने ये बात भी कही कि जेनेट के हेड के ऊपर 2 वुड पीसेस क्रॉस की फॉर्म में रखे गए थे और आसपास की बाकी लकड़ियाँ जो कि बॉडी को सराउंड कर रही थी वो एक कॉफिन का शेप फॉर्म कर रहे थे। फिर पास खड़े एक व्यक्ति ने बोला कि उन लोगों को साइंस चाहिए थे इस डेथ को ऐसा सेक्रीफाइस मानने के लिए, तो शायद यही वो साइंस है। क्वेरी के पास के वॉचंग रिजर्वेशन की कहानियाँ भी अब आम जनता में काफ़ी तेज़ी से फैलने लगी। कहा गया कि वहाँ पर शैतान की पूजा, मरे हुए लोगों पर चर्चा के लिए मीटिंग्स, पिजन्स, चिकन्स या फिर अदर जानवरों के सेक्रीफाइस जैसी चीज़ें होती हैं। लोगों को लगने लगा कि शायद जेनेट भी ऐसे ही किसी सेक्रीफाइस का शिकार हुई होगी। फिर ऐसा भी कहा गया कि ये काम शायद किसी सीरियल किलर का भी हो सकता है। तो ऑफिशियल्स ने उसी एरिया में हुए 4 और मर्डर्स के साथ जेनेट के केस को कंपेयर किया लेकिन उन्हें कोई सिमिलैरिटी नहीं मिली। इन्वेस्टिगेटर्स ने अपनी खोज जारी रखी लेकिन आम जनता की साइड से कोई काम की इन्फॉर्मेशन न मिलने के कारण और जेनेट की फैमिली साइड और दोस्तों की साइड से काफ़ी नई नई कहानियां बाहर आने के कारण ये केस हाथ से निकलने लगा था। फिर लेट 1990s में काफ़ी अननोन लोगों से लेटर्स मिलने के बाद वियर्ड एनजे मैगजीन ने इस केस को रिपोर्ट करना शुरू किया। अजीब बात ये थी कि एक भी लेटर पर कोई भी रिटर्न एड्रेस या फिर भेजने वाले का नाम नहीं था।
कुछ लेटर्स हैंड रिटन थे तो कुछ टाइप, कुछ से उन्हें लीड्स मिली तो कुछ में उन्हें संभल कर काम करने को कहा गया। पोस्टमार्क देखकर एडिटर्स ने कहा कि ये लेटर्स उन्हें पूरे स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से आए हैं। मैगजीन के एडिटर और को फाउंडर मार्क मॉर्गन ने इस केस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की और काफ़ी सस्पिशियस डिटेल्स के बारे में लिखना शुरू किया। उन्होंने स्प्रिंगफील्ड पुलिस डिपार्टमेंट पर भी आरोप लगाया कि उन लोगों ने इस केस से रिलेटेड सारी फाइल्स या तो नष्ट कर दी या फिर घुमा दी, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट का ये कहना था कि 1999 में आए हरिकेन फ्लोइड के चलते शहर में बाढ़ आने के कारण देपामा केस से रिलेटेड सारी फाइल्स घूम चुकी हैं। लेकिन लोगों का क्लेम था कि केस से रिलेटेड एक कॉपी आज भी बची है। डेथ सीन पर मौजूदा विटनेसेस के अकॉर्डिंग जिनेट के बॉडी के अराउंड काफ़ी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स भी मिले थे। हालांकि हर किसी के बयान वेरी करते हैं, लेकिन जो बात सब में कॉमन थी वो ये थी कि बॉडी को सराउंड किए हुए ट्री ब्रांचेस और लकड़ियाँ ऐसे बिखरी हुई थी जैसे कि वो एक कॉफिन का शेप बना रही हैं, और इसी शेप के अंदर छोटे छोटे वुड क्रॉसेस भी थे। फिर बाद में स्प्रिंगफील्ड के रेजिडेंट्स ने क्लेम किया कि बॉडी असल में एक पेंटाग्राम के अंदर मिली थी जिसके अराउंड डेड एनिमल्स थे जिन्हें काफ़ी बेरहमी के साथ मारा गया था। हालांकि लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ ने इनमें से किसी भी बात को सच मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। फिर UCPO के इन्वेस्टिगेटर ग्लेन ओवेंस ने जेनेट की बॉडी का एक डायग्राम बनाया जैसे उन्हें बॉडी मिली थी, और उस डायग्राम से एक बात तो बिल्कुल साफ थी कि लोगों की ब्रांचेस से कॉफिन फॉर्म होने वाली बात सिर्फ एक कहानी थी जिसे काफ़ी बड़ा चढ़ाकर बताया गया। बेसिकली ब्रांचेस एक ओपन रेक्टेंगुलर शेप फॉर्म कर रही थी, ना कि ट्रेपेजॉइड। जबकि 1972 में पब्लिश किए गए न्यूज़पेपर्स में ये बात साफ साफ लिखी गई कि ब्रांचेस एक ट्रेपेजॉइड फॉर्म कर रही थी विच रिजेंबल्स द शेप ऑफ अ कॉफिन। और फिर वैसे भी होडेलिक वैली में काफ़ी ज़्यादा पेड़ थे, तो ब्रांचेस का ऐसे फॉल होना कि वो एक कॉमन शेप फॉर्म करें ये काफ़ी आम बात थी। एडवर्ड सेल्जेनो जो कि जेनेट के नेफ्यू का एक काफ़ी अच्छा दोस्त था, उसे भी अब ये केस सॉल्व करना था। वो जानना चाहता था कि जेनेट की डेथ आखिर कैसे हुई, हालांकि वो उससे कभी मिला नहीं था। उसने रिपोर्टर्स को कहा कि जब उसने जेनेट के फैमिली मेम्बर्स और उसके दोस्तों से बात की तो उसने उन सब में एक बात कॉमन देखी कि वो सब के सब मौत से डरते थे, और उसने जिस किसी से भी इस केस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मांगी तो उन लोगों ने उसे बस यही बताया कि जेनेट की हत्या सैटेनिस्ट ने ही की है। हालांकि सेल्जेनो के अकॉर्डिंग अभी भी ऐसी काफ़ी बातें हैं जो सामने नहीं आई हैं। ही बिलीव्स देयर इज अ जाइगेंटिक कवर अप बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। जेनेट एक डिवोटेड क्रिश्चियन थी जो कि दूसरे लोगों को ब्लैक मैजिक और सैटेनिक कल्ट से दूर रहने की सलाह दिया करती थी, और इसी कारण वो सैटेनिस्ट के लिए एक टारगेट बन चुकी थी जिस वजह से उन लोगों ने उसकी जान ले ली। बाकी लोगों की तरह ही सेल्जेनो को भी यकीन था कि उसकी जान सैटेनिस ने ही ली है। उसने ये भी क्लेम किया कि जेनेट को आखिरी बार जिंदा देखने वाली उसकी दोस्त, वो भी इस मर्डर में इन्वॉल्व्ड है। सेल्जेनो एक टाइम पर उसके साथ रिलेशनशिप में था और उसने बताया कि वो लड़की उसे देर रात कॉल किया करती थी और उससे सैटेनिक कल्ट के बारे में बातें किया करती थी, लेकिन आज के टाइम पर वो मर चुकी। मॉर्गन ने वियर्ड एनजे के कॉरेस्पॉन्डेंट जेसी पी पोलाक के साथ मिलकर इस केस के ऊपर एक किताब भी लिखी जिसे उन लोगों ने नाम दिया द डेथ ऑन द डेविल्स टीथ। इस किताब को लिखते दौरान उन लोगों के सामने
काफ़ी नए लोगों के बयान भी आए और इसके अलावा पॉसिबल केसेस ऑफ कवरअप और दूसरे अनसॉल्व मर्डर के साथ के पॉसिबल कनेक्शंस भी उन लोगों के सामने आए। 2019 में राइटर्स को एक फाइल मिली जिसमें डेथ सीन की रियल फोटोज थी और उन फोटोज ने सैटेनिक कल्ट वाली थ्योरी पर एक डाउट पैदा कर दिया, क्योंकि जब उन फोटोज को सैटेनिक कल्ट को समझने वाले एक एक्सपर्ट को दिखाया गया तो उसने कहा कि वहाँ रखे रॉक्स, वुड्स और स्टिक्स का वो अरेंजमेंट एक काफ़ी नेचुरल अरेंजमेंट है, ना कि किसी शैतान के पुजारियों का काम है। और फिर क्लोजेस्ट रिजेम्बलिंग क्रॉस भी पेड़ से गिरी दो टहनियों के कारण फॉर्म हुआ था, जो कि जेनेट की डेथ के काफ़ी टाइम पहले से वहीं पर था। और फिर रिपोर्ट से सामने आया कि जेनेट का पर्स और नेकलेस वहां से गायब था। जब पुलिस ने उनकी तलाश की तो जेनेट की बॉडी के 8 फीट दूर साउथ साइड में उन्हें उसके पर्स का सामान मिला, लेकिन जो चीज़ गायब थी वो था उसका पर्स, नेकलेस और पैसे। अगर जेनेट की हत्या किसी किलर ने की थी तो देयर इज वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि उसने उसे मारा और उसका पर्स और नेकलेस वहाँ से ले गया। वियर्ड एनजे से इन्वेस्टिगेटर्स ने काफ़ी टाइम तक ये बातें कहीं कि जहाँ पर जेनेट की बॉडी मिली थी वो एक पार्टी स्पॉट था और हो सकता है कि उसकी डेथ ड्रग ओवरडोज़ लेने के कारण हुई हो, और उसके बाकी दोस्त ये सब देखकर काफ़ी डर गए और इसलिए वो लोग उसे वहीं पर छोड़ आए। लेकिन डेथ सीन की फोटोज कुछ और ही कहानी बता रही थी। वो जगह कहीं से भी पार्टी स्पॉट नहीं लग रही थी, वहाँ आसपास काफ़ी ज़्यादा पेड़ थे और तो और पार्टी से रिलेटेड कोई एविडेंस भी नहीं मिल पाया था। स्प्रिंगफील्ड पुलिस ने भी ये बातें कही कि जेनेट की डेथ ड्रग ओवरडोज़ लेने के कारण हुई, लेकिन उसकी बॉडी के आसपास ड्रग्स या फिर उससे रिलेटेड सामग्री नहीं पाई गई। और तो और उसके फैमिली मेंबर्स के साइड से और दोस्तों के साइड से भी ये स्टेटमेंट सामने आए कि वो किसी प्रकार के ड्रग्स नहीं लिया करती थी, एक्सेप्ट उसे कभी कभार मरीजवाना स्मोक करते हुए देखा गया था। और फिर बॉडी की ऑटोप्सी रिपोर्ट्स में भी ड्रग्स की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। इनफैक्ट मेडिकल एग्जामिनर बर्नर्ड एरनबर्ग ने ये बात ज़रूर कही थी कि हो सकता है उसकी डेथ गला दबाने के कारण हुई। हालांकि इन सारी चीज़ों से ये बात तो काफ़ी हद तक साबित होती है कि जेनेट की डेथ के लिए किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक या फिर सैटेनिक कल्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं था, लेकिन अभी भी ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हमें नहीं मिल पाए, जैसे कि उसकी बॉडी से केवल उसका नेकलेस और पर्स ही गायब क्यों हुआ। पुलिस डिपार्टमेंट को और UCPO को इस बात पर इतना ज़्यादा भरोसा क्यों था कि उसकी डेथ के लिए सैटेनिस्ट ही रिस्पॉन्सिबल है, जबकि उन लोगों ने तो ये फोटोज पहले ही देख रखी थी। और फिर पुलिस ने ये झूठ क्यों कहा कि उसके केस से रिलेटेड सारी फाइल्स हरिकेन फ्लोइड के चलते कहीं घूम चुकी हैं। और फिर जिस किसी से भी इस केस से रिलेटेड बात की जाती है जो कि उस टाइम पर वहाँ मौजूद था, तो वो हमेशा काफ़ी डरा हुआ क्यों रहता है और कोई भी बात सिर्फ तभी क्यों बताता है जब उन्हें यकीन दिलाया जाए कि उनका नाम कहीं पर भी नहीं लिया जाएगा। इवन 2021 में भी एक ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस फॉर जेनेट देवामा इस केस से रिलेटेड सारे क्लूज को कलेक्ट करती है और देवामा की यादों को जिंदा रखती है। इस केस को एक और किताब में बताया गया जिसका नाम है अ लॉन्ग वे होम, जहां इसे सस्पिशियस डेथ की जगह मर्डर का नाम दिए जाने को कहा गया। इस बुक में जेनेट देवामा, कैरोल एन फेरिना और जॉन क्रेमर के मर्डर्स के बीच की सिमिलैरिटीज को बताया गया है।
काफ़ी लोगों को आज भी उम्मीद है कि जेनेट को जस्टिस मिलेगी। उन्हें लगता है कि इस केस से रिलेटेड कोई ना कोई इम्पोर्टेंट एविडेंस या क्लू आज भी मिसिंग है और वही इस केस को पूरी तरीके से सॉल्व कर सकता है। तो यार यहीं ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। अगर आप लोगों में से किसी को भी इस केस के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर ऐसे वीडियोस और देखने तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।